गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हुए हैं कटरा में माता वैष्णो रानी के दर्शन के लिए, और कल हम बैठे थे ट्रेन में नई दिल्ली से और सुबह हम 5:30 बजे पहुँचे हैं। अभी आगे का मैं अभी आपको मार्केट का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये कुछ इस तरीके की मार्केट है। यहाँ पर ये हमारे भाई साहब हैं, मुक्ति जी हैं, हमारे जितेंद्र जी हैं। बोलो साचे दरबार की जय। ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइस, देखिए लाइन लगी हुई है माता के दरबार में जाने के लिए, और ये हमारे जितेंद्र जी, सुभाष भाई और मुक्तिनाथ जी। अभी हम वहाँ से चलते हुए आए हैं। सो गाइस, हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे चेक पोस्ट है, ये ताराकोट वाली ताराकोट। और अभी हम यात्रा चालू कर दी हमने यहाँ से, और ये हमारे मुक्ति जी हैं। बोला साचे दरबार की जय। जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। सो हे गाइस, अभी हम यात्रा में हैं और भाई हमारे वहाँ बैठे हुए हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और अभी इस तरफ जाना है, ये नवग्रह वाटिका दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये नवग्रह वाटिका है, यहाँ से जाएंगे अभी हम, सीढ़ियाँ लेंगे यहाँ से, 350 सीढ़ियाँ हैं। यात्री आ रहे हैं यहाँ से। ये है लंगर, ये भाई और बैठे हुए हैं, और ये ताराकोट वाला रास्ता है जहाँ पर ये लंगर की सुविधा है। यहाँ पे आकर आप लंगर का प्रसाद ले सकते हैं। और ये अपना अधकुवारी का रास्ता है, अब इससे आगे हम अधकुवारी के लिए निकलेंगे। और सामने ही आपको हेलीकॉप्टर भी दिख रहा होगा। सो गाइस, ये इधर फाउंटेन चल रहा है, कुछ यहाँ का ऐसा व्यू है। ये हमारे तीनों भाई बैठे हुए हैं जो हमारे साथ यात्रा पर हैं। ये हमारे जितेंद्र जी हैं, बहुत ही अच्छे और शुद्ध विचार के आदमी हैं ये। ये हमारे गुरु हैं मुक्तिनाथ राय जी, और ये हमारे बड़े भाई परम पूजनीय माता पिता के योग्य। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का जो भी है छतरी कितनी अच्छी बनाई गई है यहाँ पर, और पहाड़ों का कुछ व्यू ऐसा है। तो गाइस, मैं भी आपको दिखाता हूँ हमारे यात्री
अभी अर्धकुंवारी पर भी नहीं पहुंचे हैं और ये थक गए हैं, हवा करी जा रही है, इनका बीपी बढ़ गया है। अभी इनकी धड़कन चेक हुई है नीचे, बीपी वगैरह, और ये भी करा के आए हैं। हम नहीं कराए, हम नहीं कराए। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी के रास्ते पर, जो पुराना ताराकोट वाला रास्ता है उसके, जो पुराने वाले रास्ते पे उस पर आए हैं। और जितेंद्र जी हमारे साथ पहली बार आए हैं। जितेंद्र जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। यात्रा कैसी है आपकी, सही चल रही है? बहुत बढ़िया। और थकान वगैरह? नहीं, तो अगली बार के लिए तैयार हो आप? ठीक। और ये हमारे सुभाष जी हैं, इनका थोड़ा बीपी ऊपर नीचे हो गया था, अभी बीपी की दवाई खाई है इन्होंने, उन्होंने गैस की दवाई खाई है, तो अभी इन्होंने कोई दवाई नहीं खाई है। और अभी चलते हैं आगे, बाकी आगे का भी दिखाता हूँ अभी आपको। सो गाइस देखिए अभी हम भवन की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ, मेरे भाई और आराम कर रहे हैं अभी, अभी इनकी टाई टाई फिस हो चुकी है, मुक्ति जी की कमर को लेके बैठे हैं अभी। और ये यात्रा पद है, यहाँ से यात्री आ रहे हैं और इस तरफ बढ़ रहे हैं भवन की तरफ। और पहाड़ों का कुछ और भवन का कुछ बाहर का पहाड़ों का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो गाइस अभी रुके हैं, हम कॉफ़ी पी है हमने और एक एक बर्गर खाया है, हमारे भाई साहब नेस्कैफे कॉफ़ी पी रहे हैं। कैसी लगी आपको ये कॉफ़ी, कैसी लगी बताइए कुछ? अच्छा लगा? जो है सो अच्छा भाई। यात्री गण ले ले। सो गाइस अभी हम भवन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ से और ये पालकी जा रही है। ये देखिए हमारे मुक्ति जी आ रहे हैं और सुभाष जी, हम यहाँ बैठे हुए हैं और मुक्ति जी ढीले हो गए हैं, इनका हाथ पकड़ कर सुभाष जी खींच कर ला रहे हैं इन्हें। अरे जोश आ गया, अरे वाह भाई वाह, जय माता दी, जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। सो गाइस फाइनली हमें यहाँ से भवन दिखाई दे रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ, हमारे भाई यहाँ बैठे हैं और जितेंद्र जी यहाँ खड़े हैं और फाइनली हमें यहाँ से भवन दिखाई दे रहा है, आप लोग भी देखिए। सो गाइस ये है माता रानी का भवन। साचा दरबार है। माता के भवन पर और अभी हम लोकर में लोकर ले रहे हैं, जूते चप्पल और अपना बैग और मोबाइल रखने के लिए, फिर मैं आपको मिलता हूँ भैरव की चढ़ाई पर। तो गाइस देखिए अभी हम लोकर में अपना फोन वगैरह रखने आ गए हैं, यहाँ है लोकर हमारे पास। एक काम कर, गमछे में बता देंगे इसमें हमारे मोबाइल। सो गाइज अभी हम हैं भैरव बाबा पर, अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, सामने ही भैरव बाबा मंदिर है। और जितेंद्र जी, सो गाइज अभी हम आ पहुँचे हैं सांझी छत पर, अभी पहुँचे हैं, अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज कुछ ऐसा व्यू यहाँ का, ये है सांझी छत।
गाइस, अभी हम सब अभी अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। मैं अभी आपको अर्धकुंवारी माता का मंदिर दिखाता हूं, और ये है मंदिर अर्धकुंवारी माता का। और मेरे फ़ोन की अब बैटरी ख़त्म हो गई होने वाली है, और मैं अब आपको नीचे जाकर कटरा में ही चार्ज कर फिर आपसे मिलता हूँ। ओ गाइस, अभी हम कटरा में आ चुके हैं, रात को यात्रा पे थे आपको पता है, और मैंने कहा था कि मैं अब जाके आपको कटरा में मिलूँगा। और ये हमने रूम ले रखा था, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। ये है हमारा रूम कटरा के अंदर। ये सब नहा धोकर तैयार हो गए हैं हमारे मुक्तिनाथ जी। अभी हमारे जितेंद्र जी अभी बाथरूम में भी नहा रहे हैं, और अभी हम थोड़ा कटरा घूमने जा रहे हैं। और सो गाइस, ये देखिए, मैं अभी कटरा मार्केट में हूँ। मैंने आपको बोला था मैं कटरा मार्केट आपको अभी दिखाऊंगा, मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, ये है कटरा मार्केट। गाइज, अभी हम कटरा स्टेशन पहुंच गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और ये कटरा स्टेशन में अभी आपको दिखाता हूं, ये मुक्तिनाथ जी खड़े हुए हैं और हमारे जितेंद्र जी प्रसाद लेके खड़े हुए हैं। और ये कटरा स्टेशन का व्यू है। अभी हमारी ट्रेन है 2:52 की, और अभी हम स्टेशन पे हैं, और हमारे भाई साहब एक उधर माता रानी को निहार रहे हैं खड़े होकर। सो हे गाइस, जैसा कि आप सबको पता था कि मैं वैष्णो देवी गया हुआ था, और अभी आया हूँ, मैं नहाया हूँ और आकर खाना खाया है। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।